ये देखिए मेरे हाथ के हिसाब से देखिए कितना चौड़ा टायर है। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कितना चौड़ा टायर। हाँ, तो इसके टायर आगे और पीछे का, तो सबसे पहले पीछे का दिखा देता हूँ मैं टायर, ये देखिए। तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल अमेजिंग कस्टम पर। तो आज फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक और वीडियो को लेकर। तो आज जो है हमारे सामने खड़ी है क्लासिक 350, जो एक वीडियो में मैंने दिखाई भी थी, तो आज उस पर काम दिखाने वाले हैं। वैसे करा कुछ नहीं है, बट वही जो आगे टायर वायर थे जो चेंज हुए थे, वो उसके बारे में कुछ बताने वाले, तो वही दिखाते हैं आज, ठीक है। तो इसमें आगे पीछे हमने एक 15-15 इंच के अलॉय लगाए हैं, टायर लगाए हैं रालको के, नल्टी चेंज करी है, पूरी फिटिंग चेंज करी है। तो चलिए दिखाते हैं, बाकी अभी कुछ छेड़ा नहीं है, बाकी सिर्फ टायर आगे पीछे के और नल्टी चेंज करी है। चलिए दिखाते हैं आज की वीडियो, ओके। हाँ जी, तो भाइयों ये रही वो न्यू मॉडल वाली क्लासिक 350 है। तो इसकी वीडियो मैंने बताई थी पहले, दिखाई भी थी एक छोटी सी क्लिप बना के डाली भी थी एक वीडियो में। तो ये देखिए इंजन देख लीजिए, न्यू मॉडल वाला है बिल्कुल, देख के पता लग गया होगा, क्योंकि जो इससे पहले वाली मॉडल थी उसका इंजन थोड़ा सा अलग था, तो ये न्यू मॉडल वाला है। तो ये देखिए, ठीक है। तो अब दिखाता हूँ उसके टायर आगे और पीछे का, तो सबसे पहले पीछे का दिखा देता हूँ मैं टायर, ये देखिए। इसमें जो अलॉय व्हील हमने लगाए हैं, वो अलॉय व्हील एक हार्ले, जैसे हार्ले में आते हैं ना, कुछ उस टाइप के अलॉय व्हील हैं, स्पोक वाले, ये देखिए डंडे डंडे, इसमें 14-15 पता नहीं कितने स्पोक है, तो ये वो वाले हैं। और डिस्प्ले इसी की है, सारी फिटिंग इसी की है, सिर्फ अलॉय व्हील और टायर अलग हैं। और टायर जो है, टायर का साइज़ मैं आपको दिखाऊँ, 140, ये देखिए 140, ये देख रहे हैं आप, 140 90 15, 15 इंच में है, 140 नंबर टायर। टायर का साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ अभी हाथ के हिसाब से, देख लो। तो ये देखिए मेरे हाथ के हिसाब से देखिए कितना चौड़ा टायर है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितना चौड़ा टायर है, ये देखिए, ठीक है। और बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आई है, ये देखिए, ठीक है। तो अब दिखाता हूँ मैं इसके आगे के टायर के बारे में। हाँ जी, तो हम अब आ गए फ्रंट साइज, फ्रंट ईयर है फ्रंट साइड। तो अब फ्रंट साइड में हम आपको दिखाते हैं इसके टायर के बारे में। तो फ्रंट का जो टायर है वो भी 140 है, आप देख रहे होंगे, ये रहा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा 140 19 15। तो 140 90 15 ये टायर का साइज़ है, ये भी रालको का टायर है, ये रहा देखिए रालको, ये लिख रहा मेड इन इंडिया, तो ये टायर है। और ये भी सेम साइज़ है जैसा पीछे का था, सेम साइज़ आगे का भी है। और इसी की डिस्प्ले अलॉय व्हील भी 15 इंच वाली है, और ये देखिए पूरी फिटिंग विटिंग बनाकर जब लगाई गई है, ये देखिए बहुत प्रॉब्लम आई बट फाइनली लग गया। और ABS भी वर्किंग है इसके, ABS जो है ये भी वर्किंग है। फ्रंट का बड़ा गार्ड हटाना पड़ा, क्योंकि जो है हटाना पड़ेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा टायर है, तो उसमें वो उसका जो आगे का टायर है पतला होता है, 100 नंबर होता है या 90 नंबर, जो कि इस मडगार्ड में तो लग ही नहीं सकता फिर, तो इसलिए मडगार्ड हटाना पड़ा। अब इसके लिए अलग मडगार्ड बनेगा। तो सॉकर वॉकर लग गए, हैंडल टी भी अगर बदलनी पड़ी, क्योंकि उसकी जो हैंडल टी वो पास में थी, इसकी दूर है काफ़ी, देखिए कितना गैप है, तो तभी तो ये टायर आएगा। तो फाइनली लगा दिए ये भी हैंडल टी, और जो है इसका साइज़ बढ़ाया गया है गुटके का, आप सॉकर का साइज़ देख सकते हैं कितना ऊँचा है, ये देखें यहाँ से इतना ऊँचा है, कम से कम 3 से 4 इंच ऊँचा हो गया, सो बाइक आगे से ऊँची हो गई 3 से 4 इंच इस वजह से, ठीक है। और हैंडल की जो सपोर्ट है वो देखिए अलग से बनाई गई है, ठीक है। तो हेड लाइट भी हटा दी है। तो फाइनली यहाँ तक अपनी बाइक का काम हुआ है अभी, तो इस पर जब भी काम होगा तो इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। अब इस पर काम रुका हुआ है, दूसरी बाइकों पर काम कर रहे हैं, जब इस पर काम करेंगे तो दिखाएंगे वीडियो इसकी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लो, फॉलो नहीं करा तो साइड में लोगो अमेजिंग कस्टम 8055, ठीक है।